कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान शुरू कर रही है। जो कार्य मोदी साहब ने पिछले 9 वर्षों में देश हित में, देश की जनता के हित में, समाज हित में जो कार्य किए, वो सर्वविदित है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार पिछले 9 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। 2014 में जब पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के नाते से शपथ ली, तो मोदी साहब का मूल मंत्र जो सरकार चलाने का है, उसकी स्वयं उन्होंने घोषणा की थी, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने हमेशा देश की जनता से सेवा भाव के कार्य किए, पूरी प्रामाणिकता के साथ कार्य किए और गरीब कल्याण के कार्य किए। एक महत्वपूर्ण सरकार का नारा मोदी साहब ने दिया, सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण। मोदी सरकार की हर योजना का लाभ देश की जनता को हुआ, देश की आम जनमानस के 140 करोड़ भारतवासियों के सेवादार के नाते श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 9 वर्ष यहां देश के अंदर करोड़ों गरीब लोगों को, जिनके घर नहीं थे उनके घर बनाए गए, करोड़ों गरीब परिवारों के अंदर यहां टॉयलेट्स, बाथरूम्स का निर्माण करवाया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को फ्री राशन देने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की। जब कोरोना की भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, तो 140 करोड़ देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन लगवाने का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया। इसके साथ साथ आप देखें, गरीब लोगों को, दिव्यांगों को जो सोशल वेलफेयर विभाग से पेंशन योजना, उसका लाभ आज हमारे देश के गरीब जनमानस और जरूरतमंद लोग ले रहे। किसान सम्मान निधि, हम सब जानते हैं बिजाई के वक्त जब भी किसानों को मौका लगता था उनको बड़ी परेशानी होती थी, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाते साल का 6,000 रुपया सीधा किसान के अकाउंट में देने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। वही साथियों, आयुष्मान भारत,
एक बहुत बड़ी योजना जिसमें जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को, चाहे गरीब है, मजदूर है, किसान है, सरकारी मुलाजिम है, व्यापारी है, सेना में या पुलिस के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काम करता है, हर व्यक्ति को गोल्डन कार्ड के माध्यम से बीमार होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज एक नरेंद्र मोदी साहब की सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका लाभ पूरे देश भर के साथ साथ करोड़ों लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी लिया। आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड्स बनाए गए, सरकारी हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आज आप जाएंगे तो गरीब लोग, आम जनमानस लोग इस गोल्डन कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अपना इलाज करवा रहे। इसी के साथ साथ कितनी स्कॉलरशिप स्कीम्स, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी समाज हो, प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स के तहत कितने जम्मू कश्मीर के नौजवान आज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी हायर एजुकेशन को वो प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, पिछले 9 सालों में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर एक कार्य जो किया वो देश की जनता को समर्पित कार्य है। हर एक कार्य मोदी सरकार का गरीब कल्याण के लिए है। हर एक कार्य जो मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किया है वो सेवा भाव से किया है और पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया गया। इससे पहले जब केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार होती थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, उस वक्त पैरालिसिस पॉलिसीज होती थी, आज डिसाइसिव पॉलिसीज है, निर्णय लेने की क्षमता, और पूरे देश के अंदर देश के हर जनमानस का स्वाभिमान बढ़ाने वाली सरकार मोदी सरकार, जहां गरीब कल्याण, आम जनमानस की भलाई का काम, सेवा का काम किया, वहीं देश के अंदर जबरदस्त आज गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े हाईवेज, टनल्स, रिंग रोड्स, जम्मू के सांबा में एम्स, कश्मीर के अंदर अवंतीपुरा में एम्स, नौ मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी मूलभूत सुविधाएं केंद्र की, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दी। आज शहर हो या गांव हो, जम्मू हो या श्रीनगर हो, कठुआ उधमपुर हो या अनंतनाग बारामूला हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, पहाड़ हो या मैदान हो, बॉर्डर का एरिया हो या इंटीरियर हो, हर तरफ डेवलपमेंट के जबरदस्त काम चल रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने काम किया। और नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना उन्होंने लिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज नरेंद्र मोदी साहब की मेहनत के बदौलत एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा।
आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार होगी। एक जमाना था जब अमेरिका के, रूस के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या उनके राष्ट्रपति को दुनिया बॉस मानती थी, लेकिन आपने स्वयं देखा होगा पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब की एक भव्य रैली आयोजित की गई, उस रैली में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने कहा, श्री नरेंद्र मोदी साहब, यू आर द बॉस, यू आर द अल्टीमेट बॉस। और हमने देखा फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, अमेरिका हो, यहां के रूस हो, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने भी कहा, इस दुनिया का नेतृत्व अगर सही मायनों में कोई कर सकता है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। साथियों, हमारी विदेश नीति